आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है पैसा ही पैसा फिर हेरा फेरी अक्षय कुमार परेश रावल कॉमेडी सीन। पैसा ही पैसे से मुझे गाना बस याद आ गया, वो क्यों पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तुम मरती है डीनी डीनी। चलो वीडियो देख लेते हैं अभी वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। ये शर्म नहीं आता है कि 13 वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया। किधर से ला के देगा बाबा वो तोतला सांड को पैसा? किधर से ला के देगा तू? गुनेगार हूं ना मैं आपका? अब तो एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। तो आपका धोती देखेगा तेरा। हर इंसान के पास दो किडनी होती है वो? लेकिन इंसान एक किडनी पर भी तो जिंदा रहता है। बेचनी? क्या बात कर रहे हैं बाबा? किसी पैसे वाले पेशेंट को एक किडनी बेच दूंगा, बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर एक आंख बेच दूंगा, इमोशनल ब्लैक पैसे आ जाएंगे। फिर एक किडनी, फिर एक आंख, तो बचेगा क्या? ऐसे करके सारा शरीर बेच दूंगा मैं। इसी में मैं तिवारी का कर्जा चुका के अपने पापों का प्रायश्चित पूरा करूंगा। बाबा रे बाबा रे बाबा, मेरा देवा देवा देवा, तो मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला है, देव मानुष निकला, तू बाबू राव के लिए अपना किडनी बेचे, अपना आँख बेचेगा? है देवा देवा दे देव मानुष निकला है तू देव। मैं अपनी किडनी की बात नहीं कर रहा, आपके किडनी और आँखों की बात कर रहा हूँ। टमाटर है टमाटर मूली की तरह। आप शांत हो जाइए, आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं? मेरा मन तो ऐसा करता कि वो मदर इंडिया के अंदर वो मां ने कसम बेटे को गोली मार दिया था, वैसा मैं फादर इंडिया बनके साला रात को उड़ा देता। आप बंदूक लगाइए, शांत हो जाइए आप। एक्सक्यूज मी यंग मैन, ये कौन है? ये रंगीन चद्दर कौन है? हाँ मैं देवदास हूँ। परु बाहर नहीं रे पीटर, तेरे को नानजी क्या राणा बना के भेजा? तो क्या उसने रानी बना के भेज दिया? छिजोरे बने क्या कर रहा है? बहुत कर रहा है। तो नानजी भाई के कबूतर इधर उधर घूमता रहता है, अगर किसी को पता चल गया मैं इधर आया हूँ तो मेरे गेम बचा देंगे। अबे नानजी से इतनी तरक्की तो यार जग मार रहा है। नानजी भाई का खजाने का पता चल गया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। माल की देर, चलिए जरा बता, खेत वाली पुलिस चौकी के ऊपर एक टेरेस फ्लैट है, वहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा जूते के बॉक्स में करोड़ों में रुपया भरा के रखा, दो बैग में कम से कम 3-4 करोड़। ये हुई ना बात, कल दोपहर को करोड़ों रुपया उधर से उड़ा के इधर, और उसके बाद अब नानजी भाई से भी बड़े भाई बन जाएंगे। भाई भाई अब कमाल है, भाई कमाल है, कमाल है। नानजी को नानजी बनाने वाला कौन है? आप ना भाई, आप भाई, मेरा 50% डोंट फॉरगेट। अबे तेरा 50% पक्का, मेरा 50%, बाकी बच्चे लोग पीली सी नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला है अलग ला, पीली सी नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला। भाई मेरे को लगता है लड़की सीटी मार रही है। अबे पीएल हम लोग चढ़ी तेरे को है, ये ड्रेस पहना है ना, अभी तो खाली सीटी मार रही है, निकल लेने से झाड़ू मार रही है। ओ
फर्स्ट क्लास खाली खाली हो गया रे फर्स्ट क्लास। भैया मेरी बात सुनो, इधर चलो उधर। नहीं मेरे को किडनी नहीं बेचने का है। अरे आपकी किडनी नहीं चाहिए मुझे। नहीं मेरे को आंखें नहीं बेचने का है। आंखें किडनी नहीं चाहिए। नहीं आप लोग चलो मेरे साथ। नहीं चलो मेरे को चलो मेरे साथ। जल्दी कम ऑन। एक ऐसी बात सुनी है मैंने कि सुन के तुम लोग पागल हो जाओगे। कौन से रेडियो पे सुना रहे तुम? अरे रेडियो स्टेशन पे नहीं, वो अपना बाजू वाला नहीं है मुन्ना धोतर चोर। धोतर चोर नहीं, कसम से बोलता हूँ गुरु घंटाल आदमी है, मैंने खुद अपनी आंखों से अपने कानों से सुना। आंखों से हम लोग बात कर रहे थे, कम से कम 4 करोड़ रुपए चोरी करने की बात कर रहे थे। चोरी करके वो लोग अपने बाजू वाले कमरे में लाने वाले। जाके पुलिस स्टेशन में बताना हमें यहाँ ऊपर क्यों लाया। मेरे पास एक मस्त प्लान है। क्या है मालूम आपको? वो मुन्ना और उसके आदमी जब चोरी करने के लिए घर से निकलेंगे ना, अपन चुपचाप बेस बदल के उसके रूम में जाके बैठ जाएंगे। जैसे उन लोग माल लेकर आएंगे ना, सामने बंदूक रख देंगे और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे। और अपने को वो तोतला तिवारी को कितना 40 लाख देने का ना। 40 लाख अगर 4 करोड़ से निकल जाते तो कितना बचेगा अपने पास? 360 हिस्सा बराबर याद रखते हो। 360 उसको अपने पास रखो और फिर उसके बाद 30 जन हिस्सा कर लेंगे। और ये शेर छोड़ के ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्ती में केस करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। क्या मस्त प्लान है, बकवास कर रही है। हमें रोड पे ले आया, अभी जेल में डालेगा क्या पत्थर तोड़ने के लिए? बाबूया आप इसकी बातों में मत आना, ये फिर से फंसाने की प्लान कर रहा है। अरे पहले हम लोग क्या कम फंसे हुए हैं? वो लोग 40 लाख मांगेंगे तो कहाँ से 40 लाख देंगे उनको? बाबूया वो काला सांड और वो कुतुब मीनार जब पैसे मांगेंगे तो क्या जवाब देंगे उनको? पप्पू की बहन को क्या जवाब देगा? खुदकुशी करेगा यहाँ से? मर्डर करूंगा तेरा। बाबूया मैं तो बोलता हूँ फसाद की जड़ को, बर्बादी की जड़ को नीचे फेंक देते हैं। फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो ऊपर से नीचे, नहीं बचूंगा, फेंक दो मुझे, फेंक दो, फेंक दे। मेरे को मार कर तुम लोग भी नहीं बचने वाले। अरे आप तो समझदार है, समझाओ इस बेवकूफ को। मैं समझता हूँ रे बाबा। क्या समझते हैं आप ठीक से समझिए, ये हमें डाका डालने के लिए समझा रहा है, फिर कल कहेगा कि उसका खून भी कर दो। बराबर। अरे खाक बराबर है, मैं मंदिर से चोरी करने को थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो चोर के घर से चोरी करने को बोल रहा हूँ, खून करने को थोड़ी बोल रहा हूँ। तो समझा से आप, ये खून करने को नहीं बोल रहा है बाबू, या गलत रास्ता है ये? यही सही रास्ता है। गलत रास्ता है मैं बोलता हूँ, यही सही रास्ता है। गलत रास्ता है बाबू भैया। नहीं यही सही रास्ता है, सही रास्ता। अरे कैसे सही रास्ता है? मैं बोलता हूँ यही सही रास्ता है। तेरे पास कोई और रास्ता है? तू बंदूक कहाँ से ला रहा है? उसकी फिक्र मत करो, मैं बंदोबस्त करेगा उसकी फिक्र। यार ये पूरी मूवी जो है ना, ये पूरी मूवी ख्याली पुलाव पे बनी हुई है। बेचारे इतने ख्याली पुलाव बनाते रहे, वो पुलाव ही नहीं बनता, रायता बन जाता हमेशा। आम रूटीन लाइफ में भी एक आम इंसान पैसों को लेकर देखे ना तो काफी ख्याली पुलाव बनते हैं। कोई शक नहीं, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा और ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। बट एनीवे अगर हम बात करें आज के क्लिप की, तो मैं कहूंगी कमाल का था। मतलब बीच में स्पेशली मुझे वो वाला बहुत मजे का सीन लगा। एक तो जब मतलब बाबू राव उनको मान लेते टमाटर लगा रहे थे, और दूसरा वो जो तस्वीर थी उसमें जो अक्षय कुमार सर की पिक्चर थी और उसमें नोज रिंग पहनी हुई थी, आई मीन सीरियसली बहुत ही हिलेरियस था। तो वो वाला सीन अच्छा नहीं लगा जहाँ इतने इमोशनल दुखी होके कहते हैं मैं अपनी किडनी बेच दूंगा, मैं अपनी आंख बेच दूंगा, फिर एक और किडनी और आंख बेच दूंगा। अच्छा पता है मुझे शुरू में लगा कि ना जैसे वो वाकई में अपने बारे में कह रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा था कि वो उनको कहेंगे। बट खैर यू नो मूवीज में इसी तरह से बढ़ती है। बाकी में ऐसी मूवी है, मेरे हाल में जब भी आप देखो ना आप हमेशा इंजॉय करते हो। यार इस मूवी की खासियत ये, इसके 3 पार्ट हैं, हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी। दोनों आप देखो ना तो आपको एवर ग्रीन फिल्में लगती है। इसमें इतना फन क्रिएट किया हुआ है ना चीजों को लेकर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की ख्याली पुलाव, हर चीज का ख्याली पुलाव, जो खासतौर पर सर की बात करें हर सीन में ख्याली पुलाव उन्होंने पकाना आता है। और वो बाद में जब पूरा नहीं होता फिर वो बड़ा वो डायलॉग में सुना है मेरे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वो वाला सीन होता है। अच्छा वैसे मुझे अक्षय कुमार सर की ना एक्टिंग में एक चीज बड़ी मजे की लगती है, और वो ये जब वो मतलब ऐसा कोई करेक्टर करते हैं ना जिसमें वो ओवर एक्साइटमेंट शो होती है, हाँ। वो बड़ी मजे की हरकतें करते हैं, मतलब बंदा देखे पागलपन वाली हरकतें, वो बड़ा मजा आता है। अच्छा ये जो इनका सीन है ना
वैसा ही पैसा होगा। इसे बड़े मीम्स बने थे और जॉनी लीवर सर की बात करें तो उनके भी वो जो है ना जावे अब मजा आएगा रे बिड़ू, उसे भी बड़े मीम्स बने थे। मीम क्योंकि मैं इतनी ज्यादा पढ़ती नहीं थी, मुझे नहीं पता। पढ़ने थोड़ी होते हैं, देखने होते हैं। फॉरवर्ड भी नहीं कोई करता ना, प्रॉब्लम ये है। मैं मौजम के स्टेटस पे देख लेती हूँ, लेकिन ये है कि वाकई में जॉनी लीवर सर की बात करें, एक्टिंग की कमाल की एक्टिंग करते हैं वो। मुझे वैसे परेश रावल सर की एक्टिंग स्टाइल बहुत मजे का लगता है, यानी कि जो उनका एक अंदाज है वो कोई भी करेक्टर बड़े अच्छे से निभा लेते हैं। मतलब कि उन्होंने सिर्फ कॉमेडी रोल्स नहीं किए, उन्होंने ऐसे रोल्स भी किए जो नेगेटिव भी हैं, ऐसे रोल्स भी किए जो बहुत यू नो पॉजिटिव भी हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव मजा आता है। देखिए अगर मैं परेश रावल सर की बात करूँ तो उनका जो रोल है ना मामा ठाकुर वाला, वो तो मैं कहता हूँ उसमें इन्होंने वो क्या कहते हैं वो वाली एक्टिंग कर दी जो दोबारा कभी कोई कर ही नहीं सकता। लेजेंडरी एक्टिंग कर दी है भाई। मतलब उसे वैसे मुझे डर लगा करता था उस टैंपेंट को देखकर मामा ठाकुर से। हाँ मुझे डर लगा करता था। और जो उसमें एक वो एक गंजे से अंकल होते थे ना जो विलन बनते थे, मोहित तलवार लेके भागते थे, उनको दोबारा कभी देखा नहीं है ना। मतलब पहले नहीं आते होते थे, बट ये कि वाकई में जितनी भी आप मूवीज देखते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, हम कहेंगे कि एक उनके करेक्टर्स जो चेंज होते रहते, तो बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है। और बाकी सुनील शेट्टी सर की अगर हम बात करें तो मुझे वैसे अगर बात करूं तो मतलब मोहरा मूवी भी हम लोगों ने बहुत मतलब देखी है, बट मुझे गोपी किशन मूवी बहुत अच्छी लगती थी इनकी, मैं बहुत ज्यादा देखा करती थी। मुझे वैसे वो भी बहुत, धड़कन मूवी में भी इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे। हाँ धड़कन में, लेकिन ये मतलब मैं अपने चाइल्डहुड की बात करी थी, मुझे गोपी किशन मूवी बड़ी मजे की लगती थी। तो वो भी चाइल्डहुड में ही आई थी, वो कौन सी अभी आई है? थोड़े बड़े हो गए थे ना, मैं तो बच्चा ही था जब वो आई थी, तो शुरू से बच्चे थे। Anyway, overall काफी मजा आया एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। और ये मूवी के सीन से ये भी पता चलता है कि जब आपने अपनी बात को सही मनवाना हो ना, तो आप चाहे कुछ भी इधर से उधर कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात यही होती है मतलब कि आपने अपनी बात मनवा लेनी होती है। एनीवे गाइस हमारी आज की वीडियो इसी साथ में, इजाजत हमारी वीडियो लाइक सब्सक्राइब वीडियो एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।